Hello, my dear students. Welcome to your science class. This is part 5 of transportation in animals and plants. And in this particular video, we are going to see about heart. What is the location of heart? What is the structure of heart? Internal as well as external structure. Then we will see assignments. So, heart. What is heart? Heart is an organ which beats. Continuously as a pump for the transport of blood. What type of blood? Which carries substances with it. What are the substances? You know very well that oxygen, carbon dioxide, waste materials, food materials, everything is carried into the uh, blood by blood vessels. Okay. So, this heart is. अ पंप, ओके दिस हर्ट वर्क्स एज अ पंप इन आवर बॉडी फॉर व्हाट, फॉर पंपिंग ऑफ ब्लड वेयर इट पंप्स, इट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी पूरे बॉडी के लिए ये ब्लड की सप्लाई करता है किसकी मदद से आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज़ की मदद से एंड व्हाट आर द आर्टरीज वेन्स एंड कैपलरीज ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो ओके सो हर्ट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट आवर लाइफ without stopping or relaxing. Yesterday we talked about um, quality of uh, tissues of hearts, that is cardiac tissues. We will discuss this later also. So what is the location where it is lo located? So heart is located in the chest cavity slightly towards the left side. Chest cavity. Why it is it is located in the chest cavity, you know that chest is a delicate organ. विथ इट्स वेरी सॉफ्ट हाईली फ्लेक्सीबल बट इट्स वेरी सॉफ्ट ओके सो दैट्स वाई इट्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड सो हाउ इट विल भी प्रोटेक्टेड इट इज इट इज इनक्लोज इट इज कवर्ड विथ बोन्स बोनी स्ट्रक्चर ओके तो उसमें जब चेस्ट कैविटी में ये रहता है ये आसानी से प्रोटेक्टेड रहता है इट लाइज बिटवीन टू लंग्स एंड एब द डाइफ्राम नीचे डायफ्राम होता है और दोनों साइड पे इसके लंग्स होते हैं ओके द हार्ट इज मेड अप स्पेशल मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल्स दैट डू नॉट फटिंग एंड नॉट द सॉलिड मसल्स इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये थकती नहीं है ये थकती नहीं है इनकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये थकती नहीं है जिसकी वजह से हार्ट इज एबल टू कंटिन्यूसली पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी ओके तो इससे ये आपको मैंने बताया तो अभी इसको आप देखिए इस डायग्राम को जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वेयर इज हर्ट एंड हाउ इट इज लोकेटेड यहां आपको देखने से पता चल जा रहा है कि ये आपका हर्ट है और ये दोनों लंग्स हो गए ओके okay? तो ये हार्ट और लंग्स ये आपके क्या हैं ये लंग्स हैं अगर आप देखें ये आपके लंग्स हो गए दोनों ये आपका हार्ट हो गया ओके ये आपका क्या हो गया यहाँ आपको आपका लीवर दिख गया ये इंटेस्टाइन है ओके तो ये चीज़ें हो गई ये स्टर्नम तो ये आप जो रिपकेज आप देख रहे हो ये रिपकेज जो है प्रोटेक्ट करती है किसको किसको प्रोटेक्ट करती है हार्ट को प्रोटेक्ट करती है ओके अगर ये रिप रिपकेज नहीं होती तो हार्ट ओपनली डायरेक्ट जो है हमारे चेस्ट uh, में आउटर मतलब uh, दिखता जिससे कि अगर थोड़ी सी भी चोट लगती तो सीधा उसका असर हमारे हार्ट पर होता तो आई हैव टोल्ड यू दैट हार्ट इज़ वेरी डेलिकेट हाईली फ्लेक्सिबल बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तो ये इसको देखने से आपको पता चल जाता है कि हमारी इंटेस्टाइन कहाँ है ओके okay? और ये किस तरीके से ये डोम से आप डायफ्राम ये जब आप सांस लेते हो तो इसका स्ट्रक्चर चेंज भी होता है ओके तो ये लंग्स हो गए ये आपका हार्ट हो गया ओके तो अब देखा जाए इफ यू टॉक्ड अबाउट साइज तो इट इज़ रफली इक्वल टू आवर क्लोज फिस्ट जो हमारी मुट्ठी होती है अगर इसे हम बंद कर दें तो उतना ही बड़ा हमारा हार्ट होता है एंड इट इज़ कवर्ड विद अ लेयर दैट इज़ नोन एज पेरी कार्डियम तो पेरिकार्डियम जो लेयर है वो किसको कवर करती है हार्ट को एंड इट्स इट्स आल्सो प्रोटेक्ट्स द हार्ट ओके अंदर से जो हार्ट है हमारा वो खाली होता है एंड इट इज़ डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट एंड दिस कंपार्टमेंट्स आर नोन एज चैम्बर्स तो इन दिस पर्टिकुलर साइड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट सो इंटरनली इट इज़ डिवाइडेड इंटू फोर कंपार्टमेंट इस कंपार्टमेंट इज नोन एज चैम्बर्स एंड देयर आर टू अपर एंड टू लोअर चैम्बर्स ओके टू अपर चैम्बर्स आर नोन एज एट्रिया सिंगुलर इज नोन एज एट्रियम एंड टू लोअर चैम्बर्स आर नोन एज वेंट्रिकल्स ओके ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हर्ट आर लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ऑन द राइट साइड ऑफ द हर्ट इज राइट एट्रीएम एंड राइट वेंट्रिकल अभी आपको डायग्राम दिखाऊँगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि किस जगह पर राइट एट्रियम है किस जगह पे राइट वेंट्रिकल तो यू कैन सी हियर दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस पर्टिकुलर चैम्बर इज़ नोन एज राइट वेंट्रिकल दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल ओके एंड यू कैन सी हियर इट इज सेप्टम इट इज सेपरेटेड इट इज़ सेपरेटेड बाई दिस सेप्टम ओके तो दिस इज इफ आई राइट इट तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ वन मुझे आ, लेना चाहिए क्या सिंपल लाइन ओके तो अगर आप बात करें तो ये वन हो गया ये टू हो गया चलिए लाइन सेलेक्ट करने में दिक्कत हो गई है तो लाइन की हम बात नहीं करते अगर आपको ऐसे दिखा दूँ सीधा तो ये हो गया हमारा वन ये हो गया टू फिर लाइन आ गया कोई बात नहीं लिसन तो फर्स्ट पोर्शन इज दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर तो फोर चैम्बर यू आर एबल टू सी हियर सो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल दिस इज पल्मोनरी वेन एंड दिस इज पल्मोनरी आर्ट्री ओके This is superior vena cava, this is inferior vena cava. Okay, this is aorta. Okay, so now we are going to see here you can see valves. Okay, this open and close according to the needs. So, what happens actually if you uh, talk about right portion and left portion separately? So, right portion is responsible for keeping what kind of blood? It is deoxygenated blood and left portion is responsible for keeping right uh, oxygenated bloods okay so how it happens so if you start about uh, start with uh, oxygenated blood so what happens actually this is pulmonary vein uh, uh, in previous videos i have told you that pulmonary uh, vein is an exception एट द सेम टाइम पलमनरी आर्टरी इज आल्सो एक्सेप्शन ओके तो वाई वाई इट इज एक्सेप्शन सिंस इट इज़ अ वेन बट बट इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पलमनरी आर्टरी इज एंड आर्टरी बट इट कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं वेन्स जो होती हैं वो डी ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं तो हाउ इट फंक्शन वी विल टॉक इन नेक्स्ट वीडियो बट I will give you some idea, just just idea. So this pulmonary vein it carries blood from where? It carries blood from the lungs to the left atrium. From here it is brings through the left ventricle and from here the oxygenated blood. अगर lungs से आ रहा है तो ये blood जो होगा oxygenated होगा, oxygen rich होगा. तो कहाँ आ रहा है आपके right portion में? सबसे पहले आया left atrium में और यहाँ से valve खुला और ये आ गया इसमें left ventricle में. फ्रॉम यर इट पम्प्स टू द एवोर्टा टू द होल बॉडी यहाँ से एवोटा में जाता है और यहाँ से पूरे बॉडी में जाता है फिर क्या होता है दिस ब्लड विच गोज इन थ्रू आउट द बॉडी इट इज गेटिंग इट कलेक्टेड हाउ हाउ इट इज कलेक्टेड फ्राम सुपीरियर वेनाकावा एंड फ्राम इन्फीरियर वेनाकावा तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी गिव्स ब्लड टू द सुपीरियर वेनाकावा एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी गिव ब्लड टू द इन्फीरियर वना कवा और ये सारे लोग लेके कहाँ आते हैं यहाँ पे राइट right एट्रियम में एंड फ्रॉम हियर इट गोज़ टू द राइट वेंट्रिकल एंड यहाँ से ये यह पंप होता है कहाँ पे पलमंड्री आर्टरी में और पलमंड्री आर्टरी कहाँ लेके जाती है ब्लड को लंग्स में और लंग्स में जब डी ऑक्सीजनटेड ब्लड जाता है तो वो फिर से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ऑक्सीजन रिच हो जाता है और फिर वापस पल्मोनरी वेन में आता है सो दिस इज़ द साइकिल आपको मैं अगले वीडियो में आपको क्लियर करके दिखाऊंगा और बढ़िया से कि किस तरीके से आता है हीयर आवर मेन फंक्शन इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ़ द हार्ट क्या क्या स्ट्रक्चर होता है कैसे हमारे वेन्स और आर्टरीज लोकेट uh, हो, होती हैं कहाँ कहाँ लोकेटेड रहती हैं और इनका चार पार्ट इसमें क्या क्या है तो दिस इज़ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट इफ़ यू द राइट एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाई वॉल्ब्स ओके ये मैंने आपको अभी बता दिया द राइट साइड द ऑफ द हर्ट कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाइल द लेफ्ट साइड ऑफ द हर्ट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये हमको याद रखना है कैसे अभी आपको मैंने बताया कि ये जो लेफ्ट साइड है ये पूरा दिस कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाइट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकॉज द पलमनरी वेन ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट साइड ओके और यहाँ क्यों डी ऑक्सीनेटेड ब्लड है बिकॉज सुपीरियर वेनाकावा एंड इन्फीरियर वेनाकावा ब्रिंक्स डी ऑक्सीडेट ब्लड फ्रॉम द बॉडी ओके तो आपको अगर डाउट हो तो आप फिर से इसको रिपीट करके देख सकते हैं ओके द हार्ट इज सेपरेटेड बाई अ पार्टीसन कॉल्ड सेप्टम मैंने आपको बताया था सेप्टम एंड वाट दिस सेप्टम फंक्शन इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन साइड द हार्ट यहाँ पे मिक्सिंग होने से रोकता है तो दिस राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एक्ट्स एज टू सेपरेट पंप्स वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड अनदर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग आपको मैं बता दिया कि टू साइड हैं, राइट और लेफ्ट एक जो पंप करता है ब्लड वो कहाँ? लंग्स की तरफ और दूसरा जो पंप करता है वो कहाँ करता है पूरे बॉडी की तरफ जो लंग्स की तरफ पंप करता है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो पूरे बॉडी की तरफ पंप करता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द होल बॉडी एंड वाइल द राइट साइड ऑफ द हार्ट ओके पंप्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स ये आपको मैंने दिखा दिया क्या राइट right है क्या लेफ्ट है द ऑक्सीनेटेड ब्लड मस्ट बी केप्ट सेपरेटेड फ्रॉम डी ऑक्सीनेटेड ब्लड टू सप्लाई गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स फॉर रेस्पिरेशन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑक्सीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन एंड ब्लड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरियंग ऑक्सीजन ओके सो इफ इफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट मिक्स विथ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड there will be scarcity of oxygen to the body cells and if there is scarcity of oxygen lack of oxygen uh, decrease of oxygen content in the blood there will be decrease in rate of respiration and if there is a decrease in rate of respiration there will be less energy

ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्राम राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू द लंग्स वेर एज पलमनरी वेन इट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रीय ऑफ द हार्ट तो ये हुआ एक्सेप्शन आप फिर से डायग्राम देख सकते हैं इफ यू हैव कंफ्यूजन ओके द लार्जेस्ट आर्ट्री विच रिसीव्स ब्लड रिच इन ऑक्सीजन फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ देन सर्कुलेटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी मैंने आपको बताया एवोटा क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में लेके जाती है और वेनाकावा जो है सुपीरिया और एनिफीरिया दोनों वो डी ऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी से फिर वापस हार्ट की तरफ लेके आती है तो देट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो तो आपको डायग्राम बनाने हैं एंड यू हैव टू एंसर हाउ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीनेटेड ब्लड विलीट टू लेस एनर्जी इन द बॉडी आप बताएंगे इसे इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन ओके सो दीज आर द रिसोर्सेस थैंक यू फॉर वॉचिंग जय हिंद